नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देख रहे हैं बेबाक बात। इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर विधायक रामलल्लू बैस जी हैं। रामलल्लू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तो आपके स्टूडियो में आने के लिए आपका मैं स्वागत करता हूं। क्या बात है। रामलल्लू जी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि 3 बार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उसके पहले सिंगरौली में आप महापौर रहे, मंडी के आप चुनिंदा अध्यक्ष रहे। आपने जनसंघ के ज़माने में राजनीति शुरू की, जनसंघ, कांग्रेस और फिर भारतीय जनता पार्टी। बहुत लंबा तजुर्बा है आपका। एक पहला सवाल यह है कि आप कांग्रेस में भी रहे और बीजेपी में भी रहे, उसके पहले जनसंघ में रहे, तो क्या अंतर लगता है बीजेपी कांग्रेस में? बीजेपी कांग्रेस में अंतर ये है कि भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ है। मैं ये पाकर खुश हूँ कि विकास के कार्य यहाँ काफ़ी हुआ और बड़े सद्भाव के साथ सबको लेकर चलने का एक सन्मार्ग दिखाता है। कांग्रेस में एक ही चीज़ था कि जो बड़े लोग थे उन्हीं की पुछाई थी, बाकी जैसे थे वैसे। एक नारा था कि हम गरीबी हटाएंगे, पर हटाए नहीं, वही हटवा दिए उसी को। ये अंतर है। अच्छा, जो छोटे नेता हैं कांग्रेस में, क्या उनकी पूछ परख नहीं होती? नहीं, कहीं कुछ नहीं, सब वो भेंट के लिए इकट्ठा करते हैं, बाकी कुछ नहीं। ये बड़ी बात रामलल्लू बैस जी ने कही, कांग्रेस में रहे, वहाँ का भी तजुर्बा है। आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? राजनीति में चूंकि आने का मकसद हमारे परिवार से एक मानिकराम वर्मा जी हैं, वो जनसंघ में मिसाबंदी भी हैं। अच्छा, ये सब लोग एक बार आए हमारे क्षेत्र घर पर, तो इन लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है कि ये कालरी क्षेत्र में पहाड़ के ऊपर कोई कार्यकर्ता हमारा नहीं है, आप लगता है कि आपका जनाधार ठीक है, लोग आपको मानते हैं, आपके घर आते हैं, ये चर्चाएं में है, आप हम लोगों के साथ आइए। हमने कहा कि ठीक है, देखते हैं। हमको टाइम तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारे पिताजी बचपन छोड़ के चले गए हैं, तो हम खेती पाती भी अपना देखेंगे, इसके बाद करेंगे। इसके बाद जब हमारी ज़मीन जगह चंदुले और जैतपुर की फंसी, तो मैंने बस लिया, बस का ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय किया, चाहे 10-15 साल वो भी चलता रहा, राजनीति भी चलती रही, गाड़ी घोड़ा हो गई तो और लोग भी पूछने लगे, सारे दल के लोग उसी के चलते कांग्रेस में थे, वो लोग भी अपना रैली ले जाना हो तो कहे अरे बस तो आपके है, चलिए भाई। पर ये लोग दोहन करते थे, वही मैं बताऊंगा आपको। पर भाजपा के लोगों ने सम्मान करते थे, तभी भी मैं था, तभी भी वहाँ जब आप कांग्रेस में थे, हाँ तभी भी वो लोग सम्मान करते थे कि कहाँ आप चले गए भटक के वहाँ। वो हमने कहा वो अवसर आने दीजिए, मैं फिर लौटूंगा। हाँ, तो जनसंघ में पहले सबसे पहले आप जुड़े? हाँ जुड़े थे। तो वहाँ कोई काम मिला था आपको, कोई पद मिला नहीं, था? कोई काम तो नहीं मिला था, और हमने ये कहा कि साथ में रहेंगे, हम कोई पद इसलिए नहीं लेंगे कि हम उतना समय दे नहीं पाएंगे उस समय, क्योंकि हमारे पिताजी चले गए हैं, तो हमारे 3-4 गांव में ज़मीनें थी, पाहिया थी, चाचा लोग थे। तो मैं कहा कि ऐसा है कि हम मेढ़ौली रहेंगे, जैतपुर जाएंगे, मैंने 15-16 किलोमीटर के दूर में पाही थी, तो हम कहीं आना जाना है हमको, हम उस ढंग से पद लेके काम अपने ही कर पाएंगे। जब हमारा आप लोगों की ज़रूरत होगी, जहाँ कहेंगे वहाँ चले आएंगे ज़रूर, और अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी है कि पहाड़ के ऊपर हमारे जो 15-20 गांव, वहाँ पर आप लोगों को जब ज़रूरत होगी हम तैयार, चुनाव में बता दीजिएगा, आपको वोट मिल जाएंगे, बस बस। हाँ अच्छा, फिर कांग्रेस में कब आए आप? कांग्रेस में हम 80-81 में आए, इमरजेंसी के बाद। हाँ, इमरजेंसी के बाद। तजुर्बा कैसा रहा कांग्रेस का? कांग्रेस का ठीक रहा, पर वही बताए हमने आपको कि इनकी सबकी मात्र भीड़ इकट्ठा करने के लिए बुलाते थे, पर कोई काम के लिए कह दीजिए तो कोई नहीं। सिंगरौली जैसे क्षेत्र में यह कहना नहीं चाहिए। उस समय तो अर्जुन सिंह बड़े नेता थे आपके इलाके से। अरे अर्जुन सिंह खुद थे, सीधी जिले का ही ना थे, और हमारे उनके दामाद सिंगरौली के राजा थे,
रियासत के पहले इलाकेदार, उनके बाद वो लोग कभी नहीं चाहते थे कि ये बढ़ने वाला व्यक्ति है, ये बढ़ जाएगा। अच्छा। हाँ, चूँकि वो जानते थे, देखते ही थे मेरा कार्यकलाप, तो ये कहते थे। जब मैंने बस लिया तो एक परमिट के लिए मैं गया कहने कि दिला दीजिए एक ठो, तो बोले बस लेने के पहले हमसे तो पूछे नहीं आप, ये राजा बाबा ने कहा कांग्रेस के लोगों ने। तो हमने कहा कि भाई लेने के पहले क्या पूछें, जब ज़रूरत होगी तो मैं बात कर रहा हूँ। बोले वो तो पैसा दीजिए और आप परमिट लीजिए और बस चलाइए। मतलब ये जानते थे कि आप कांग्रेस के नेता हैं। हाँ, उसके बाद आपसे पैसे मांगे। वो पूरी तरह से भाई बता तो रहा हूँ आपको, पूरे अच्छी तरह जानते थे कि बसों जाती थी, रेडियो में, यहाँ वहाँ सब जगह। इसके बाद भी उन्होंने कहा, इसके बाद मैंने बात नहीं किया। और उस समय हमने, सही बात है कि कमिश्नर से आए, बात किया और उन्होंने हमको, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों ने, एक कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर थे अय्यर साहब, उन्होंने एक चिट्ठी बनाया तुरंत, मैं बस लिया था तो, और कमिश्नर रीवा को लिखा चिट्ठी कि इनको परमिट यहाँ जहाँ चाहते हैं कृपा करके आप दें, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। उन्होंने खुद चिट्ठी लिखा और भेजा हमको, लेके गए और उन्होंने, कमिश्नर ने हमको परमिट अस्थाई दिया। बोले अभी टेम्परेरी आप चलाइए और फिर बाकी चल के अस्थाई कर देंगे। तो इसीलिए कांग्रेस से मोह भंग हो गया कि कांग्रेस अपने ही लोगों के काम नहीं करवाते थे कांग्रेस ही? कहीं नहीं, किसी को नहीं। आज तक सिगरौली में लोग, आज इसीलिए ये गति है कि पनप नहीं पा रहे हैं, ये खुद चुनाव लड़के हारे हमसे। और फिर बीजेपी में कब आया? हम 2004 में आए। और 2004 में, चार में आने के पहले आपने मंडी का चुनाव लड़ा? 2000 में मैं मंडी का चुनाव लड़ा, 1999 में, 1999 2000 में मंडी का लड़ा, 2004 में मेयर का चुनाव। मंडी का चुनाव आप निर्दलीय लड़े थे? रहते, हाँ, निर्दलीय लड़े, किसी पार्टी से? हाँ हाँ, किसी ने, निर्दलीय लड़े। और मंडी का कार्यकाल 4 महीना बचा था, उसके बाद मैं मेयर का चुनाव लड़ा सिंगरौली से। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद मिला और हमने सिर्फ 18 अक्टूबर 2004 को मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, और 1 नवंबर 2004 को मुझे पार्टी ने टिकट दिया बीजेपी का। मैंने 12-13 दिन बाद ही मुझे टिकट दिया और आप मेयर बन गए। और मेयर बने हम, सारे बीजेपी के दिग्गज एक तरह से कह लीजिए कि चुनाव ही लड़े। इसके बाद भी 10,500 वोट से मैंने चुनाव जीता। और तब से एक साल मेयर का जब कार्यकाल बचा था 2008 में, जब सिगरौली जनरल सीट हुई, पहले आरक्षित थी अनुसूचित जात के लिए, जब ये सामान्य सीट हुई 2008 का, तो वो भारतीय जनता पार्टी एक साल मेयर और विधायक दोनों रहा। 2008 में मेयर का, विधायक का चुनाव लड़ा, मेरा कार्यकाल 2009 में तक पूरा था। एक साल मेयर विधायक दोनों का काम किया। और इसके बाद 2013-2018 कंटिन्यू विधायक हूँ। रामलल्लू वैसी 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़े हैं सिंगरौली से लगातार, और 3 बार चुनाव जीते हैं। और पिछला चुनाव तो आपका बहुत रोचक था, आपके मुकाबले में 2 महिलाएं थीं। ये बात बिल्कुल सही है, कांग्रेस पार्टी से श्रीमती रेणु साह थी और आम आदमी पार्टी से रानी अग्रवाल थी और समाजवादी पार्टी से भी थी। अच्छा, वो भी महिला थी? वो भी महिला थी। ये अच्छे तरीके से घेराव किए थे मेरा, 3 महिलाओं ने मिलकर। हाँ, पर कार्यकर्ताओं के, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की कृपा थी और जनता की अच्छी स्नेह था, जिसके चलते हम चुनाव जीत गए। और नहीं तो इन सबके तो इरादा था कि इस बार निपटाओ इनको। अच्छा, जब ये चुनाव होता है तो निपटाने में क्या अपनी पार्टी के लोग भी लग जाते हैं कई बार? अधिकांश निश्चित रूप से निपटाने में थे। वो स्वयं कहते थे कि तीसरे नंबर पर हैं इस बार। माने मुख्यमंत्री जी ने कहा एक दिन रात में फोन करके कि क्यों तुम्हारा वहाँ से खबर आ रही है कि तीसरे नंबर पर हो, तो हमने कहा कि ऐसा बात नहीं है, देखने में जरूर लग रहा है पर चुनाव में जीतूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।
बोले अच्छा चलो जीत के आओ और आप सबको आशीर्वाद से मेरा प्रचार करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी पहुंचे थे, माने गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी आए थे और अंतिम में सांसद और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी आए थे। इन सबके आशीर्वाद से चुनाव निकाला और आप सबके आशीर्वाद से क्षेत्र का विभिन्न स्थितियों को समुचित ढंग से विकास करने का काम शुरू किया। वह जमाना था जहां बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, पहली बार जब एमएलए बने तब आपको बड़ा मौका मिला, महापौर बन के भी आपने शहर में बहुत काम किया, लेकिन जब विधायक बनते तो आप ग्रामीण इलाकों में भी काम करते। बहुत अच्छे ढंग से मैं जब 2000 तो सबसे पहले क्या समस्या है? मेयर बना, सबसे पहले समस्याएं क्या सामने आई? तो हमने जिला बनवाने का संकल्प लिया, सिंगरौली को जिला बनाया, सिंगरौली को, और माननीय मुख्यमंत्री जी को 21 जनवरी 2007 को पहली बार एक सड़क का 18 करोड़ सड़क का निर्माण का शुरुआत मैंने किया नगरी क्षेत्र में, जो आज भी आपको सिंगरौली के इतिहास में देखने को आता है कि सारे लोग सराहते हैं कि आज 2007 में बनी सड़क आज भी अथावत है, आपने अच्छा काम किया। टनाटन ने आपकी सड़क आज भी, हाँ टनाटन ने, उसको शिवराज सिंह माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे उस रोड पर चलते थे, कहने तुम्हारा ये रोड हम सबको याद दिलाता है कि तुमने यह विकास की शुरुआत की थी जिसका भूमि पूजन मुझसे कराया। फिर आपकी जो डिमांड थी सिंगरौली जिला बन गया। हाँ जी, उस दिन ने उन्होंने कहा, मांग जब हुई तो उन्होंने कहा कि जिला बनने लायक था और जिला नहीं बना, देखते हैं हम इसको बनाएंगे। उसी समय उपचुनाव हो गया लोकसभा का, सीधी संसदीय का, हाँ, और सीधी संसदीय क्षेत्र में हम 2007 फरवरी में चुनाव हार गए, पर 21 जनवरी को हमने उसका भूमि पूजन करा लिया था और फरवरी में चुनाव हुआ और चुनाव हम हार गए। इसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी सिंगरौली की धरती पर जा कहे कि जिला का कार्रवाई प्रारंभ करता हूँ, सबसे ज़्यादा आदि कहीं मत इस विधानसभा से मिला है 32,000 की लीड, वन्य जगहों से हम भले पीछे होकर हार गए पर सिंगरौली के इतिहास में तुमने अपने यहाँ क्षेत्र से 32,000 का लीड दिया, इसलिए जिले की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। और वह 24 मई 2008 को जिला बनाने के लिए सिंगरौली जाकर उन्होंने घोषणा कर दी। आप दास्तान सुन रहे थे रामलालू वैश जी से, किस तरह उन्होंने मांग की और उसके बाद कैसे सिंगरौली जिला बना। सिंगरौली बहुत नया जिला है, हम सबके सामने बना है और वहाँ विकास की बयार अपनी तरफ से चलाने की कोशिश की है रामलालू वैश जी ने। उन्होंने क्या क्या किया, राजनीति के बारे में रामलालू वैश जी क्या सोचते हैं, इन सारी बातों पर चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी, प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम विधायक रामलालू वैश जी हैं, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके नाम, आपके सरनेम को लेके बड़ा कन्फ्यूजन होता है आपको, कुछ लोग वैश्य समुदाय का समझते हैं, कुछ OBC का समझते हैं, अपने अपने तरीके से आपको देखते हैं। चूँकि हम कोई असली बात तो आपको सही बात बताए, मैं तो यही मानता हूँ कि बचपन से ब्राह्मणों के साथ रहने का अवसर मिला, क्षत्रियों के साथ भी कुछ समय मिला और ज़्यादा समय तक चूँकि पढ़ने जाते थे तो व्यापारियों के भी बैठते थे। हमारे गुरु जो शिक्षा के क्षेत्र में थे वो मेरा नाम रामलालू वैश से लिख दिए। तो वैश लिखने के बाद ये सही आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब 2008 में मैं विधायक बना मध्य प्रदेश में, तमाम अग्रवाल समुदाय की ओर से बधाई आई। हाँ मुझे याद है वो वैश्य समाज ने आपका अभिनंदन कर दिया था। आज भी JTB के जो मालिक है सुभाष चंद्र जी ने, वो दिल्ली में मुझे बुलाया जहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उनके कार्यक्रमों में आए थे, वहाँ भी मैं गया अटेंड किया। हमने कहा कि ये मान के यही चलते हैं, बात हुई कई बार,
यदि वो अपना समुदाय मान के हमें बुला रहे हैं तो जाना चाहिए स्वागत के लिए। मैं गया भी वहाँ, अटेंड किया। अब क्या है कि भाई ठीक है कि शादी विवाह नहीं होती, पर भावनात्मक लगाव रहा कि भाई आप बुलाते हैं तो आप कहाँ चले जाएंगे। और वैसे भी मुझे लगता है कि राजनीति में, राजनीति में वोट के लिए जरूर हम जाति देखते हैं, बाकी तो आपको सारी जातियों के साथ काम करना पड़ता है। सभी लोगों ने, और मेरा सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों से रहा था और वो हमेशा चुनाव में मेरी मदद की, और उन्हीं लोगों के चलते आज भी मैं खड़ा होता हूँ। इस बार जरूर कुछ नाराज थे, फिर मान गए तो टिकट के लेके कि हम लोगों को नहीं मिल रहा है इसके चलते, तो फिर नाराजगी दूर हो गई बाद में। पर बाद में नाराजगी सबकी दूर हो गई, जितना मैं काम करता हूँ वहाँ उन्हीं लोगों को, जितना टीआई है वो सब ब्राह्मण है अपने क्षेत्र में। रामलल्लू वैश जी के बारे में एक बात और बताना चाहूंगा कि उनको देख के उनकी उम्र का अंदाज नहीं लगता, 70 साल आयु आप कर चुके हैं और लंबा राजनीतिक जीवन है, सामाजिक जीवन है। आप कोरोना काल में आपकी खूब चर्चा हुई, कोरोना काल में आपने भांति भांति के नए नए प्रयोग किए। देखिए ऐसा है कि सिंगरौली के जब मैं मंडी का ही चुनाव लड़ा था तब क्षेत्रवासियों का ही ये रुझान था कि आप विधानसभा लड़िए, लोकसभा लड़िए, ये जनता की भावनाओं तक थी। और उनमें सब में ये था कि आप में एक तो पहली बात है कि जात पात नहीं, सबका मान सम्मान करते हैं, तो हम सबको और विकास के बारे में कहीं बताने का आवश्यकता नहीं है, आपको अच्छे अनुभव है, आप जिस क्षेत्र में जाते हैं आपको एक एक गली याद हो जाती है, ये ऊपर वाले की देन है, और आप उसको बड़े ध्यान से कब कहाँ करना चाहिए काम वो आपको भी अच्छी मालूम है। पंडित श्याम कार्तिक जी प्रथम विधायक थे वहाँ के, उन्होंने हमको बुला के कहा कि राम लल्लू जी ये जनरल सीट हुई है तुम्हारे अलावा सिंगरौली का विकास इसलिए नहीं करेंगे कि जो मेयर का तुमको काम जो देखने को हमको मिला वो तुमसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए मेरा आशीर्वाद है कि तुम चुनाव 2008 का लड़ो, पार्टी से बोलो टिकट मुझे दो। फिर टिकट मांगा आपने। हाँ, और वो आज नहीं है पर 2008 के चुनाव भी वो लड़े, इसलिए कि कांग्रेस के एक राम सुख शर्मा जी चुनाव 2008 में लड़े थे तो उन्होंने कहा उसको हराने के लिए मैं लड़ रहा हूँ, निर्दलीय तुम्हें जिताने के लिए लड़ रहा हूँ। ये राजनीति होती है कि कब कभी अच्छा व्यक्ति सामने हो तो उसे जिताने के लिए। प्राप्त हुआ इसलिए वो नहीं है, पर वो कहते थे कि देखो तुम्हारे में जो भावना है वो सिंगरौली का विकास तुम्हारे हाथ में। अभी एक बड़ी रोचक बात सामने आई कि जब जनसंख्या नियंत्रण की बात आई, आप तो इंदिरा जी के ज़माने से देख रहे हैं हम दो हमारे दो, और अब जब बातचीत चल रही है तो आपने उसका बड़ा भरपूर समर्थन किया। हाँ हाँ बिल्कुल, चूँकि क्या है समय के हिसाब से आज आवश्यकता है देश की। पर हमने एक बात तो कहा था कि एक ऐसा कानून बने कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी पर प्रभावी हो, कहीं ऐसा आड़े न आए कि हमारे धर्म में नसबंदी नहीं है या कोई इस तरह का योजना नहीं है, इस देश में सबको खुशहाल रहें उसके लिए सब पर लागू हो, ऐसा कानून बनना चाहिए जिसे जनसंख्या नियंत्रण प्रभावी हो। आप जनसंख्या नियंत्रण के पक्षधर हैं? हाँ, आप होता वो, आपके भी 9 बच्चे हैं? आपके 9 बच्चे हैं? हाँ, पर आज 30 साल पहले की बात है, 2 फरवरी 1990 के बाद मेरा छोटा लड़का है, 2 फरवरी 1990 जी जी के छोटा लड़का इसके बाद तो है नहीं, उस समय कोई नियंत्रण कानून बना नहीं, पर आज मैं कह रहा हूँ कि 2021 में आबादी बनता है तो मैं तो समर्थक हूँ। अच्छा एक चीज़ और बताइए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनता है, लोकसभा से पारित होगा, पास होगा, सब लोकसभा करेगी, मोदी जी जब से आए हैं तब से इस तरह की चीज़ें बहुत हो रही हैं, कश्मीर का मसला हो, 370 राम मंदिर का मसला हो, तो मोदी जी को कैसा नेता मानते हैं आप? देखिए मैं तो अध्यात्म पुरुष के रूप में मानता हूँ, उन्होंने देश के लिए मूलभूत जम्मू कश्मीर की स्थिति को देखे जाए, अयोध्या राम मंदिर को देखे जाए, देश के तमाम विभिन्न चाहे असम
मिजोरम की बात हो, नागालैंड की बात हो, पूर्वोत्तर के क्षेत्र में हमारे जितने भी राज्य हैं सबको देश में जोड़ने का काम ऐसे महापुरुष करते हैं, चाहे वो चीन पाकिस्तान के लड़ाई की बात हो, वो पर तटस्थ पुरुष होने के नाते ही उन्होंने 2014 और 2019 में जो उनको मानकर देश की जनता ने बागडोर सौंपा है, मैं मानता हूँ कि इस देश में शासन के योग्य वही व्यक्ति है, महान पुरुष है ये कहें। हमने आपके कई बार वीडियो देखे कि जब... और उन्होंने एक बहुत अच्छा अच्छा योजना ले आया, प्रधानमंत्री हर गरीब का घर आवास योजना, आवास योजना, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहर हो। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में जल निगम के माध्यम से हर घर में नल जल योजना का पानी देने का काम केंद्र सरकार कर रही है राज्य सरकार के साथ। हर मध्य प्रदेश में अगले आने वाले 2-3 साल में हर गांव में नल जल योजना के तहत सबको अपना घर घर मिल जाएगा और पानी मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, ऐसा मानना, ऐसा चाहिए हर घर में। अभी गैस का मोदी ट्यूब योजना शुरू हो गई, जो छोटे छटके थे उज्ज्वला में अब उनको मिल जाएगा, मिलने का सपना साकार हो जाएगा। तो ये इसमें जो गरीब के सही में आने में जिसकी सोच हो, ऐसा ही देश के महापुरुष होना चाहिए, प्रधानमंत्री रहना चाहिए। और देश की जनता को भी एक बार इकट्ठा नहीं हो सकता, पर धीरे धीरे करके सबका साथ सबका विकास निश्चित है, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी भी सोचते हैं कि हम सबका कैसे कल्याण करें। तमाम लक्ष्मी लाडली योजना से ले आके गर्भवती महिलाओं को लेके मैंने विभिन्न तमाम आवास, भूमिहीन लोगों को जमीन का पट्टा, आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री पेयजल योजना, अनेकों प्रकार की योजनाएं। शिवराज जी भी बड़े गरीब के, शिवराज सिंह भी बहुत संजीदा आदमी, आम लोगों से जुड़े हुए एकदम, बिल्कुल पारिवारिक जैसे उनका मानना है। क्षेत्र के हर काम को उन्होंने सपोर्ट करते हैं। सिंगरौली जैसे क्षेत्र में एयरपोर्ट बन रहा है, मेडिकल कॉलेज हो गया है सुकृति, टेंडर की प्रक्रिया में है अभी। माइनिंग कॉलेज हमारा लंबित है, पर उसको उन्होंने कहा है कि तुम्हारा इसी तरह करें। आप डिमांड करते हैं शिवराज जी से, सुनते हैं आपकी बात, वो देते हैं सिंगरौली को, उसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, राम लल्लू वैश जी सिंगरौली से आते हैं, वहाँ की स्थितियों से हम सब लोग वाकिफ हैं। और बड़ी बात यह है कि राम लल्लू वैश जी सिंगरौली के विस्थापित हैं, और अभी आपका निवास जहाँ पे है वो भी उस इलाके में आ गया जहाँ से आपका फिर से एक बार विस्थापन हो सकता है। तो बहुत कम नेता हैं जो विस्थापित हुए हैं। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड जैंद का या सिंगरौली का सबसे मिनी रत्न भारत सरकार की कोयला खदान है, 5-6 लगातार, जिसमें हमारे ग्राम मढ़ौली, पजरे, चटका, यादी, मुहेर, इन तमाम गांवों में कोयले का भंडार है, और उसका क्रमशः धीरे धीरे करके अर्जन किया जा रहा है। हमने जयंत प्रोजेक्ट से ही विस्थापित हुए, जहां पर मेरा जन्म हुआ था, जहां पर मेरे परिवार का भरण पोषण होता था, वहां से उजड़ के बाजार के पास उसी गाँव में शेष बची हुई जमीन पर हम लोगों ने घर बना के रह रहा, किंतु उसको भी धारा 4 का अर्जन हो गया है, उसके अगल बगल धारा 7 का भी अर्जन हो गया है। सबका इच्छा ये है कि या तो कुछ जमीनें अभी छोड़ दिया जाए, इकट्ठा न लिया जाए, या तो पूरे संपूर्ण को अर्जन कर लिया जाए। आप क्या चाहते हैं? हम भी ये चाहते हैं कि जितना संभव हो सके तो अभी कुछ दिन रह लिया जाए, आज से आगे जैसा भी होगा, विधि ब्लास्टिंग से खतरा होगा तो अर्जन जाना करके तो, और लोगों को बसाने का भी वो काम जब तक नहीं कर लेते तब तक अर्जन न करें। इतने बड़ी आबादी को, 50-60 हज़ार की आबादी को कहाँ पर ये पुनर्वास करते हैं, पुनर्वास कॉलोनी बना लें, सेटल कर लें। दो तरह का है कि कितने लोग प्लाट चाहते हैं, कितने लोग पैसा लेके अन्य जगह जाना चाहते हैं, ये दोनों का सर्वे कर लें और उसको सेटल पहले कर लें, इसके बाद अर्जन की कार्यवाही करें, ये मेरा काम। आपकी इस बारे में मुख्यमंत्री जी से या भारत सरकार से बात हुई? भारत सरकार कोयला मंत्रालय
से अभी हमारे प्रतिनिधिमंडल गए थे सिंगरौली से, माननीय सांसद जी के साथ शायद कल फोटो वोटो देख रहे थे, मिले जुले हैं, और मैं भी जाना चाहता था, पर चूँकि 17-12 तारीख तक था इसलिए मैंने 12 का टिकट दिल्ली जाने का कटाया। अच्छा, एक बात और सत्र से याद दिलाया कि ओबीसी आरक्षण को लेके बड़ा विवाद चल रहा है, आप क्या सोचते हैं? ओबीसी का देखिए, जो सच्चाई ये है कि कमलनाथ जी विधानसभा में 2019 में पारित कराया, 8 मार्च को पारित हुआ विधेयक, अध्यादेश लागू हुआ, और 10 मार्च को हाई कोर्ट जबलपुर में आजका लग गई, आरक्षण पर रोक लगे, और इसको चलते इन सब ने, इनके महाधिवक्ता ने जब नोटिस मिले इनको, कोई जवाब के लिए नहीं प्रस्तुत किया गया। 19 मार्च 2019 को जब डेट लगी तो इन्होंने, इनके महाधिवक्ता जी ने कोई जवाब तब तक भी नहीं दिए, बल्कि पीएससी के लिए जब बात आई तो उसमें भी इन्होंने खड़े होकर कहा कि आप चाहे तो इसमें भी वही कर दीजिए कि 14% आरक्षण रहेगा, इसके अलावा नहीं रहेगा। तो जब इनकी मंशा थी कांग्रेस वालों का देने का आरक्षण, इन्होंने पक्षी ढंग से नहीं रखा वहां पे, वहां पर पक्ष ये नहीं लिए, कांग्रेस के सरकार थी इस तारीखों में जो मैं बता रहा हूं। तो मैं ये आज कहता हूं कि आप ठीक है, पक्षधर थे पिछड़ा वर्ग का, पर आपने सही से एक तरफ ये चाहते थे कि पिछड़ा का हम दर्दमय बनूं, वोट मिल जाए, सीधी बात, तो कोर्ट में जाए और इसके बाद मिले भी लाभ ना, पर ये कहने को जाए कि हम तो चाह रहे थे आपको। मैं तो ये कहता हूं कि 1984 में रामजी महाजन आयोग लागू हुआ, ठीक है, अर्जुन सिंह चीफ मिनिस्टर थे, पर अधिकांश जातियां छूट गई, अधिकांश जातियों को सेंट्रल सूची में रखा, अधिकांश जातियों को आज भी नहीं रखा, तो उनको सेंट्रल की संस्थाओं में कौन सा लाभ मिलेगा? आप किस पिछड़े वर्ग की बात आप करते हो, किस किस जात के बारे में आप पिछड़ा बांध मानते हो? यह छल कपट की राजनीति कांग्रेस करती रही। आज मैं ये कहता हूँ कि इन्हीं के चलते सबके आज का लगवा करके यह सब पिछड़े वर्गों को रोका गया। आप देना तो चाहते हैं एक तरफ और फिर उधर भीतर से आप ऐसा करते हो, रुकवा भी देते हो। हाँ, ये कौन सा चाल चल रहे हो भैया? आप कहते हैं ईमानदारी के साथ, मैं ये कहता हूँ पिछड़े वर्ग आप हिमायती हो, तो आप लोगों को ये दोनों काम करना चाहिए कि यह जो संघीय ढांचा है उसको ठीक कराओ। मध्य प्रदेश के राज्य में भारत सरकार का संस्था हो उसके लिए कहेंगे कि सेंट्रल के सूची में जब प्रकाशन होगा तब मैं दूंगा। अरे क्यों भाई, इस राज्य में आने के पहले आपने कहा था कि भारत सरकार जब कहेगी तो जाएंगे, कोयला चाय खोदने हो, पावर हाउस प्लांट हो, पोस्ट ऑफिस हो, दूरसंचार हो, विभिन्न प्रकार के भारत सरकार के संस्थाओं में हम वंचित हैं। मैं तो आज कहता हूँ कि NCL NTPC सिंगरौली जिले में सबसे ज़्यादा यदि कहीं भर्ती होगी तो भारत सरकार उपक्रम है, पर वहाँ हमें लाभ इसलिए नहीं मिल रहा है कि सेंट्रल की सूची में नहीं है। तो जब सेंट्रल की सूची में नहीं है तो फूट डालो, राज करो, आधे जात को आपने सेंट्रल सूची में डाल दिया, पिछड़े वर्ग के लोगों को, वो आधे लोग वंचित हैं। तो आप जो सूची में मध्य प्रदेश से 92 जातियाँ पिछड़े वर्ग में शामिल हैं, आज भी 55 जातियां सेंट्रल सूची से बाहर है, तो किस बात का है कि आपने तो सूची भेजा वहां, इधर राजनीति कर रहे हैं कोर्ट में। अच्छा, कल शिवराज सिंह जी को भी इसीलिए गुस्सा आया था विधानसभा में? विधानसभा में उनका कहना है कि हम कोर्ट में विवाद चल रहा है, पूरी तन्मयता के साथ 27% आरक्षण देने के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा, ये उनका दृढ़ संकल्प। अच्छा, वैसे आप क्या सोचते हैं रामलालू जी, आपका बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है, कि आरक्षण का आधार जातियों पे ही होना चाहिए या कोई सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आधार भी हो सकते हैं? देखिए, कुल आज की तारीख में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो लोग
आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सब पिछड़े हुए हैं। जात कोई भी हो, समाज में, देश में रहने वाले, उसका उत्थान, उसका तरक्की कैसे हो, वो सबके बारे में सोच के ऐसा नियम बनना चाहिए। जैसा समान को भी EWS के रूप में इन्होंने दिया है, पर स्पष्ट करना चाहिए। बहुत से लोग भटकते रह जाते हैं, प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता तो आगे कैसे उसकी नेट में कैसे परीक्षा देगा, इंजीनियरिंग कैसे देगा, या शासन के केंद्रीय योजनाओं में कैसे ला पाएगा। तो स्पष्ट नीति होना चाहिए। ये आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े लोगों को ध्यान देना चाहिए। और एक ऐसा मेरा मानना है कि सबको साथ, सबका विकास की जब बात आती है तो वो तो उसी दायरे में सबको ले लो। सही बात, सबको ले लीजिए। रामलल्लू वैश जी अपनी साफ गोई के लिए जाने जाते हैं, आप समय के बेहद पाबंद हैं। आपने देखा कि बहुत सफाई और सच्चाई से उन्होंने यहाँ जवाब दिए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि रामलल्लू वैश जी सिंगरौली के विकास में अपना पसीना बहाते रहेंगे, और जैसे उनके दिमाग में सिंगरौली को लेकर परिकल्पना एक आधुनिक शहर की, उसे वो बना के ही मानेंगे। आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, आप देखते रहिए दखल न्यूज़। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट LNCTU.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।